हेलो फ्रेंड्स, कंधे हमेशा मजबूत होने चाहिए। जैसे हम बोलते हैं अपने जीवन में भी कि कंधों के ऊपर ही हमारे जीवन का भार है, तो आज मेरी इस वीडियो में आप ये देखेंगे कि हम शोल्डर को कैसे स्ट्रेंथ देते हैं, कैसे शोल्डर को पावर देंगे, जिससे हम अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में सारे काम मजबूती से करें। और आपको ये जानकारी मैं दे देता हूँ मेरे इस वीडियो में कि मेरे भी 5 साल पहले शोल्डर डिसलोकेट हो चुका था, जो कि मैंने यही सब वर्कआउट करके उसको स्ट्रेंथ दिया और उसको फिर वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन पे ले आया। तो मेरे इस वीडियो को आप ये देखें और जो भी मैं वर्कआउट बता रहा हूँ उसको प्लीज करें। और एक चीज ध्यान रखें कि जो भी वर्कआउट हम करते हैं हमें तब तक करना है जब तक उसमें पेन ना हो। अगर उस जगह में पेन हो रहा है या ट्रिगर हो रहा है तो हमें उस वर्कआउट को नहीं करना है। बाकी आप अपने डॉक्टर से, अपने फिजिशियन से भी सलाह ले सकते हैं कि इस टाइप का वर्कआउट हमको करना है कि नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा अच्छे से आपके इंजरी को डायग्नोस करेंगे, तो वो आपको बताएंगे कि वो सही है कि नहीं है। बट एक चीज बस ध्यान रहे कि जहां आपको पेन हो रही है वहां उसको नहीं करना है, वहां उसको स्टॉप कर देना है। मैंने ये 1 kg का वेट रखा है। आप चाहे तो अपने घर पे एक नमक का पैकेट भी रख सकते हैं, चाहे आप डंबल्स यूज कर सकते हैं। मैं आपकी आसानी के लिए ये बताना चाह रहा हूँ कि ये आपके लिए इस टाइप की कुछ भी चीज आप रख सकते हैं अपने हाथ में। और अपने हाथों को ऐसा रखें, पहली तो पहला वर्कआउट ये स्ट्रेट करके हमको धीरे धीरे नीचे लेके आना है। 1, 2, 3, 4, 5। और एक चीज ध्यान रखें, जहां हमको पेन हो रहा है उस जगह तक हमको लेके जाना है, उसके बाद हमको स्टॉप कर देना है। धीरे धीरे ये हमारे शोल्डर को स्ट्रेंथ देगा और हमारी स्टेप पावर बढ़ेगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपने देखा, अब ये सेकंड है। ये हमारा हाथ ऐसा रहेगा, कोनिया साथ में ऐसे, ये देखिए वेट हम ऐसे अपने हाथ में लेंगे। आप इसमें चाहे डंबल्स ले सकते हैं, 1 kg का डंबल्स से शुरुआत करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, 1/2 kg के। और अगर आपको डंबल्स के वेट से नहीं हो रहा है तो आप बिना डंबल्स के भी पहले स्ट्रेंथ दे सकते हैं, उसके बाद धीरे धीरे डंबल्स हैं। जैसे आपकी पेन है, जिस हिसाब से आपकी कंडीशन है शोल्डर की, जैसे आपकी शोल्डर की कंडीशन हो उस हिसाब से आप करिए। और ये अब ये अपने हाथों को यहाँ से जोड़ के रखना है और इसको धीरे धीरे ऐसा 1, 2, 3, 4, 5। आप ये देखेंगे कि आपके शोल्डर में एक अलग सा स्ट्रेंथ आएगा इसको करने से। और बस यही आपको करना है, ये सेकेंड स्टेप है। थर्ड स्टेप, ये हमको वॉल का सहारा लेके करना है। जो भी वॉल हो आपने अपनी मुट्ठी बंद करनी है और हाथ को स्ट्रेट रख के वॉल में प्रेस करना है। एक बात का ध्यान रहे कि हमको प्रेस जो है वो होल्ड करके, जैसे हमने प्रेस किया तो लगभग 30 सेकेंड तक हमको प्रेस करके रखना है, जिससे कि हमको शोल्डर में स्ट्रेंथ मिले। और ये 3 सेट कर सकते हैं हम, और लगभग दिन में 2-3 बार कर सकते हैं। जब आपको समय मिले आप ये कर सकते हैं। ये वॉल देखिए, ये आपको ऐसा प्रेस करना है। आप ये देखेंगे जब आप ऐसा प्रेस करेंगे कि आपके शोल्डर में एक अलग सा तनाव, मतलब टाइटनेस महसूस हो गया था, ये आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। ये देखिए ऐसा, फोर्थ स्टेप, चौथा स्टेप जो है ये हमारे साइड प्रेशर देना है दीवार को। जैसे हमें अपनी मुट्ठी बांध के हाथ को सीधा, हाथों को सीधा रखना है, सीधा रख के हम साइड दीवार पे प्रेस करना है। ये ऐसा प्रेस करें कि हम ऑपोजिट दीवार को हमको धक्का देना है, कुल मिला के हम ये सोचें तो। बस इसको ऐसे प्रेस करके रखना है, जितनी हमारी स्ट्रेंथ हो, जितनी ताकत हो उतना ही करना है, जिसमें हमको पेन ना हो ज़्यादा। बस हल्की हल्की धीरे धीरे जो है हमको लगभग 30 सेकेंड का होल्ड रखना है, और ऐसे हमको 3 बार करना है। और ये दिन में आप 2 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं। इसको करने से आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। ये मैंने खुद किया है, ये मेरे ऊपर अपने मैंने अजमाया हुआ है, ये मैं आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने 4 स्टेप्स आपको बताए हैं, 4 स्टेप्स आपको रेगुलर करना है। इसको आप करेंगे तो 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। और मेरे इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।